का त्यौहार चल रहा है, जिसके चलते चंडीगढ़ में यातायात काफी ज्यादा बढ़ चुका है और इसी को मद्देनजर रखते हुए चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने यातायात के लिए या हम कह सकते हैं पार्किंग के लिए बंदोबस्त किए थे और स्कूलों के अंदर पार्किंग बनाई थी ताकि लोग अच्छी तरह से शॉपिंग कर सकें और यातायात को भी कोई नुकसान ना हो। परंतु इसके बावजूद कुछ लोग अपनी ही सुविधा के लिए लोग दुकानों के पास ही गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं, जिसके चलते ट्रैफिक पुलिस को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। या तो उनके चालान काटे जा रहे हैं या फिर उनको उनकी गाड़ियों को टोल किया जा रहा है, परंतु इसके बावजूद लोग समझने का नाम नहीं ले रहे। तो चलिए कुछ नज़ारों पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि स्कूल के पार्किंग में कितनी पार्किंग की गई है और बाकी जगहों पर कितनी पार्किंग की गई है। लोग आप बात मानते हैं, अगर आप बोलते हैं उनको कि यहाँ पे लगा लीजिए बाइक, यहाँ पे लगा लीजिए बाइक, मानते हैं सर हमारी बात, मानते हैं, प्रॉपर मानते हैं। लोग रोजाना कितने आ जाते हैं यहाँ पे शॉपिंग करने दिवाली के लिए? नहीं, जैसे कि बोला गया कि स्कूल में पार्किंग करनी चाहिए पर काफी गाड़ियाँ यही खड़ी कर देते हैं, तो उससे दिक्कत आती है कोई? हाँ, उनसे भी प्रॉब्लम होता है, फिर पुलिस वाले खुदे हैंडल करते हैं, चालान करवाते हैं, करते हैं। काफी कितने चालान होते हैं लगभग आज दिन के? चालान के बारे में हमें पता नहीं है, पर दो चार तो हमने अपने आंखों से देखा, वो लोग खड़ी कर देते हैं, ऐलान कर रहे हैं, कोई सुनने की राजी नहीं। किससे ज्यादा दिक्कत होती है, गाड़ियों वालों से या जो बाइक वाले हैं उनसे? गाड़ियों वाले से ज्यादा होती है, बाइक वाले तो छोटे वाहन है, वो निकल जाते हैं। कोई प्रशासन से कोई और है, जैसे प्रशासन ने पार्किंग के लिए तो कर रखा है इंतजाम, पर उससे ज्यादा कुछ और किया जाए ऐसा कुछ? प्रशासन ने तो पार्किंग दे रखा है, स्कूल में दे रखा है, उधर बैक साइड पार्किंग काफी है। फिर लोग वहाँ करते हैं या नहीं करते? सड़कों पर भी काफी लोग देखे गए हैं। लोग जल्दबाजी में रोड में ही लगा देते हैं। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।